भोगपुर नाम का एक गांव था जिसमें मोहन नाम का एक आदमी रहा करता था। मोहन एक कॉलेज में अटेंडर का काम करता था। मोहन का एक बेटा भी था जिसका नाम रामू था। रामू पढ़ना तो बहुत चाहता था लेकिन पढ़ाई रामू को बिल्कुल ही नहीं आती थी। कोशिश करने के बावजूद भी उसके सर नहीं चढ़ती थी। उसका पिता भी हमेशा इसी बारे में उसको डांटता रहता था कि मन लगाकर पढ़ाई करे। जैसे तैसे करके वो अब 10वीं क्लास तक पहुंच चुका था। बहुत ही मुश्किलों से अब वो 10वीं क्लास की परीक्षा दिया था लेकिन उसमें भी एक सब्जेक्ट में वो फेल हो चुका था। इस बात को लेकर रामू का पिता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रामू, ये क्या तरीका है? तुम्हारा क्या इरादा है मुझे बता दो। ऐसी पढ़ाई करोगे, क्या नाम कमाओगे? सारे सब्जेक्टों में तुमने अपने नंबर देखे हैं? इतने कम नंबर से कौन पास होता है? और तो और, एक सब्जेक्ट तो तुमने पूरी तरह से ही फेल कर दिया। अब मैं क्या करूं? तुम्हें कॉलेज में सीट कैसे दिलाऊंगा? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह रामू का पिता उसके बेल्ट से बहुत ज्यादा पिटाई करता है। रामू की माँ भी एक कोने में खड़ी देख रही थी क्योंकि रामू का पिता उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। अगर वो कुछ कहेगी तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा, ये सोचकर चुपचाप ऐसी ही खड़ी रोती रही। पिताजी, मैं क्या करूं? पिताजी, मैं तो एग्जाम्स की पूरी तैयारी कर रहा था और मैं मन लगाकर पढ़ने की कोशिश भी करता हूं पिताजी, लेकिन क्या करूं? मेरे सर वो कुछ चढ़ता ही नहीं। जब भी किताबें देखता हूं तो मेरा सर चकराने लगता है पिताजी, मैं क्या करूं? रामू की कहीं ये बात सुनकर मोहन का गुस्सा और बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। दोबारा से उसकी वो खूब पिटाई करता है। तब जाके रामू को ये बात समझ में आ जाती है कि अब चाहे उसके पिता से वो कुछ भी क्यों न कहे, वो अब सुनने या समझने की हालत में बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए वो ऐसे ही खामोश हो जाता है। दूसरे दिन सुबह उठकर मोहन अपने बेटे से कहता है, देख बेटा रामू, अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ, मेरी बात को समझ बेटा, मन लगाकर पढ़ाई कर। अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे तैसे मैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल को हाथ पैर पढ़ के मना लूंगा तुझे हमारे ही कॉलेज में सीट के लिए। समझ रहा है ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? पिता की बात सुनकर रामू बेचारा कुछ नहीं कह पाता है और उसकी बात के लिए वो हाँ कह देता है। जैसे तैसे करके रामू का दाखिला कॉलेज में हो जाता है। एक दिन की बात है कि क्वार्टरली एग्जाम्स आने ही वाले थे और देखते ही देखते एग्जाम्स का समय भी बहुत करीब हो चुका था। रामू की टीचर सारे बच्चों से ये कहती है कि अभी थोड़ी देर में बस परीक्षा शुरू होने वाली है, कुछ देर के लिए सारे बच्चे परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। सारे बच्चे अपने अपनी किताबें लेकर देखने लगे लेकिन रामू कुछ देर के लिए क्रिकेट खेलना चाहता था और वो वहाँ से निकलकर ग्राउंड में चला जाता है। एग्जाम के लिए बस कुछ ही वक्त बाकी था और तब जाकर वो अंदर आता है, फिर अपनी परीक्षा दे देता है। रामू, ये तुम कैसी पढ़ाई कर रहे हो? क्या ऐसी पढ़ाई कोई करता है? ऐसे ही तुम करते रहोगे तो तुम इस कॉलेज में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाओगे। देखो रामू, तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम्हें सचमुच में ही इस कॉलेज को छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? रामू और टीचर के बीच चल रही ये सारी बातें उसी कक्षा की खिड़की के पास खड़ा रामू का पिता सब सुन रहा था। ये सारी बात सुनकर रामू के पिता को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। कॉलेज के खत्म होने के बाद रामू के पिता को ये पता चलता है कि वो ग्राउंड में खड़ा क्रिकेट खेल रहा है। ये बात पता चलने के बाद रामू का पिता वहाँ पहुँच जाता है और रामू के गाल पे जोरदार तमाचा लगा देता है। रामू, ये तू क्या कर रहा है? तेरी टीचर तुझसे ये सब कुछ कह रही थी, पढ़ने के लिए कुछ समझा रही थी, लेकिन तू है कि बैट लेकर ग्राउंड चला गया। अरे मैं तुझे कैसे समझाऊं रामू कि पढ़ाई नहीं करेगा तो तेरा भविष्य कुछ नहीं बचेगा। तू समझता क्यों नहीं है मेरी बात? मेरा इकलौता बेटा है तू, मेरी सारी उम्मीदें बस तुझे से है रामू। मेरी बात को समझ, मन लगाकर पढ़ाई कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मेरी तरह बन जाए। तुझे एक बहुत अच्छे ओहदे में मैं देखना चाहता हूँ। इस तरह रामू का पिता बहुत ही दुखी होकर रामू को ये सब कुछ सुनाकर वहाँ से चला जाता है। मोहन के वहाँ से जाने के बाद रामू को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है
कि उसके पिता की बात माननी चाहिए। उसके बाद रामू बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी वो अपनी कोशिश में हर बार की तरह नाकामयाब होता रहा, क्योंकि पढ़ाई करना उसके बस की बात नहीं थी। तब जाकर उसने फैसला ले लिया कि अब ये पढ़ना वढ़ना उसको बिल्कुल नहीं आएगा, अब वो इसको पूरी तरह छोड़ देगा। पढ़ाई की जगह वो अपना सारा दिमाग खेल में लगाएगा, यानी कि उसके मनपसंद क्रिकेट में अपना दिमाग चलाएगा, शायद इससे उसका कुछ बन जाए। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। एक बार की बात है, ऐसे ही दोनों कॉलेज के दरमियान खेल शुरू हो जाता है। देखते ही देखते उनके कॉलेज के बच्चे भी जीत जाते हैं। खेल में बैठे बड़े सारे लोग सारे बच्चों को देख रहे थे। एक आदमी था जो कि पूरी तरह से नजर रामू के ऊपर टिकाए बैठा हुआ था। वाह बेटा, तुम तो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, तुम ना भविष्य में बहुत बड़ा नाम कमाओगे, स्टेट लेवल्स में तुम अपना नाम जरूर लिखवाना, ठीक है? उस कमिटी वालों से मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा। उस आदमी की बातें सुनकर रामू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जो चीज उसने चाही थी वो अब उसके आंखों के सामने नजर आने लगा। उस आदमी ने कहा था कि तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो और हम तुम्हारा नाम कुछ अलग तरीके से लिखवाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारे माता पिता की इजाजत की जरूरत है। और फिर वो आदमी मोहन के घर पहुंच जाता है। तब रामू उसके पिता से कहता है कि पिताजी आपसे मिलने के लिए कोई आया है, जाकर आप उनसे मिल लीजिए। ये बात सुनने के बाद रामू का पिता घर से बाहर निकल कर देखता है, तब वहाँ एक आदमी खड़े हुए थे। हेलो सर, नमस्ते, आपका बेटा रामू है ना? बहुत अच्छा खेलता है सर, कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स में उसने बहुत अच्छा खेल दिखाया था, और हम चाहते हैं कि आपके लड़के जैसे लड़के बहुत आगे बढ़े, बस आपकी इजाजत लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। अगर आप अपनी बेटी की सहायता करेंगे, उसका नाम आगे बढ़ाने की मदद करेंगे, तो आपका बेटा बहुत नाम कमाएगा। हम उसका नाम स्टेट लेवल में लिखवाना चाहते हैं, लेकिन हमें इसके लिए आपकी इजाजत की जरूरत है। उस आदमी की कही बातें सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है। मन में सोचता है कि ये लड़का तो कभी नहीं बदलेगा, इतना बोलने और इतना समझाने के बाद भी फिर से ये उसी क्रिकेट के पीछे पागल बना फिर रहा है। ये बात सोचकर वो लोगों से ये कहने लगता है। नहीं साहब, ये क्रिकेट विकेट हमें कुछ नहीं खेलना है, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मेरी तरह बच जाए, मैं उसे बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। आपको पता है उसकी फीस के लिए जितने पैसे होते हैं, उसको जमा करने के लिए मुझे कितना समय लग जाता है, बहुत मेहनत करता हूँ इसके भविष्य के लिए, मैं नहीं चाहता कोई इसका भविष्य खेल में बर्बाद कर दे। मेरी बात समझिए और हमें छोड़ दीजिए, मैं तो मेरे बच्चे को किसी अच्छा काम करते हुए देखना चाहता हूँ, इसके सिवा मेरी कोई इच्छा नहीं। रामू के पिता का ये जवाब सुनकर वो आदमी तो हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसे चांस के लिए सारे लोग कितनी मिन्नतें मांगते हैं और कितना इंतजार करते हैं, जबकि ये चांस उनके बेटे को मिला है, लेकिन ये आदमी है जो कि इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये सोचकर वो वहाँ हैरान होकर खड़ा रहता है। सारी बातें सुन रहा रामू अपने पिता पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये उसका एक सपना था जो कि उसके पिता की वजह से पूरा नहीं होगा। सर देखिए, आप मेरे पिताजी के बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम कीजिए, मेरा नाम स्टेट लेवल में प्लीज आप लिखवा देना, बाकी सारा किस्सा मैं संभाल लूंगा। मेरे पिताजी को इस खेल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। रामू की बात सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब मैच के डेट का भी वक्त आ जाता है। रामू को एक फोन आता है और बुलाते हैं कि अभी तुम्हें मैच खेलने के लिए आना पड़ेगा। रामू जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि रामू को अपने ही घर से भी फोन आता है, कहता है कि उसके माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे अभी के अभी घर पहुँचना है। अच्छा, लेकिन पिताजी मैं तो मैच के लिए जा रहा हूँ। पिताजी, जैसे ही मैच खत्म हो जाएगा मैं सीधे घर पहुँचूंगा, क्योंकि पिताजी ऐसा मौका किसी को बार बार नहीं मिलता, जब तक मैं ना पहुँच जाऊँ आप माँ का ख्याल रखना पिताजी। रामू का जवाब सुनकर उसके पिता का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। बहुत ही गुस्से के साथ मोहन कहता है, हाँ हाँ ठीक है जा तू, लेकिन एक बात याद रखना रामू,
दोबारा कभी घर वापस लौटना मत, क्योंकि तेरे लिए तो हमसे ज्यादा प्यारा वो क्रिकेट हो गया है ना। ठीक है, जैसा तेरा मन करेगा वैसा ही कर, लेकिन तू आज से हमारा कुछ नहीं लगता और ना ही हम तेरे कुछ लगते हैं। दोबारा तू अपना चेहरा मुझे मत बताना, जो करना चाहता है कर ले। पिता की बातें सुनकर रामू को बहुत दुख हुआ था और उसे बहुत रोना भी आता है। पूरी रात वो नहीं सो पाया था, ऐसे ही रोते हुए उसकी रात कट जाती है। दूसरे दिन सुबह हो जाती है और वो उठकर सोचने लगता है। पता नहीं पिताजी मुझे कब समझेंगे, हमेशा सिर्फ अपनी बात चलाने की या मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे बारे में कभी नहीं सोचते। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ पिताजी, मैं खेलूंगा और जीतूंगा भी। शायद तब जाकर आपको मेरे बारे में या मेरे ख्यालात के बारे में कुछ पता चल जाए। जैसा कि रामू ने सोचा था, उसने अपना खेल भी पूरे मन से और लगन से खेला था और उसने उस खेल में कप भी जीत लिया था। कप जीतने वाली बात सारे गांव में फैल चुकी थी और उस खेल को देखने के लिए आए एक क्रिकेट टीम वालों ने रामू को अपने टीम में यानी कि इंडियन टीम में उन लोगों ने सेलेक्ट कर लिया था। अब रामू के पास कप भी था और पैसा भी था और स्पॉन्सर्स भी थे। इस तरह रामू के पास अब सब कुछ आ गया था। ये सब कुछ देखकर रामू का पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अपने बेटे की तरक्की को देखकर अपने आप पर वो गर्व महसूस करने लगा। रामू के कॉलेज वालों ने भी रामू के मैच जीतने की खुशी में उनके कॉलेज में एक फंक्शन रखते हैं, जिसमें रामू का पिता भी हाजिर होता है। रामू मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन आज तूने ये साबित कर दिया है। इंसान को कामयाब होने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरे अंदर का ये जज्बा और इस हुनर को मैं देख नहीं पाया था। मैं तो बस यही सोचता था कि इस खेल के चक्कर में पड़कर तू अपनी जिंदगी बर्बाद न कर ले, बस इसीलिए तुझे डांटता था और तुझे मारा करता था। मुझे माफ कर दे बेटा। रामू अपने पिता की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसको समझ आ जाता है कि अब उसका पिता भी उसके मन को और उसके दिल को पढ़ चुका है, क्योंकि अगर ये सब कुछ उसके पिता को समझ नहीं आता तो उसका पिता उसके फंक्शन में हाजिर नहीं होता। तब से लेकर रामू की जिंदगी बिल्कुल ही बदल चुकी थी। अब वो जो उसको पसंद आता था वही करता था और उसका परिवार भी उसका पूरा साथ दिया करता था।